बिहार के टेक्सटाइल इंजीनियर ने कोरोना से लड़ने के लिए एंटीवायरस चादर बनाकर देश के अच्छे अच्छे टेक्सटाइल इंजीनियरों को पानी पिला दिया है। पटना के युवा टेक्सटाइल इंजीनियर हर्षलाल और उनकी टीम ने कोरोना से लड़ने के लिए ऐसा केमिकल तैयार किया है जो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल है। इसे वायरोसाइट नाम दिया है और किसी भी तरह से कपड़े पर इस केमिकल को यूज कर सकते हैं। इस केमिकल को विभिन्न तरह के फैब्रिक के लिहाज से तैयार किया है। इस खास केमिकल के लैब चढ़ाए इन चादरों की खासियत है ये कि कोरोना सहित किसी भी वायरस, बैक्टीरिया और फंगस के संक्रमण के प्रसार को रोकने में समर्थ है। 29 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक इस फैब्रिक की टेस्टिंग एपेक्स टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा की जा चुकी है। इसके अलावा यूरोफेस लैब ने भी इस प्रोडक्ट से जुड़े क्लेम की वेरीफाई किया है। लगभग 3 से 4 महीने तक लगातार प्रयोग कर इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है। हर्ष का दावा है कि खास तकनीक से तैयार की गई चादरों की गुणवत्ता 75 धुलाइयों तक बरकरार रहेगी। हालांकि इसकी लाइफ 125 धुलाई तक है। बोर्डिंग रोड में रहने वाले हर्ष ने IIT दिल्ली के टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में BTEC किया है और वह DPS और संत केरेस से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। हर्ष ने बताया कि उनकी कंपनी IIT दिल्ली और IIT पटना से सपोर्टेड है। जल्द ही कंपनी की ओर से IIT पटना और एम्स पटना के क्रमशः 3 और 50 साधनों का उपयोग के लिए निःशुल्क दी जानी है।